बल उसका शिथिल हो गया, द्रौपदी को अनावृत नहीं कर सका। द्रौपदी ने समझा कि भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर, इतना वीर पुंगव दुःशासन ने हमको अनावृत करने का प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। का भगवान धन्य हो आप, आपने मेरी लज्जा बचाई। भगवान कृष्ण का द्रौपदी हमने कुछ नहीं दिया है। कहा तब, कहा ज्योति तूने दियो सो ही तैने पायो, तुमने दुर्वासा को ढक दिया था और उस सेवा का परिणाम तुमको मिला कि तुमको भी ढका ढक दिया गया, तुमको उघार नहीं कर सका कोई आदमी। आप भी उपकार करके देखो, समाज की भलाई करके देखो, यहां करो कहीं दूसरी जगह भलाई हो जाए तुम्हारी, तो सेवा का परिणाम साथ जाएगा। शरीर का एक प्रयोग सेवा, सेवा कार्य से कभी भी हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए, सेवा से कभी घृणा नहीं होनी चाहिए। जो महान विचार के लोग हैं उस सेवा से कतराते नहीं हैं। पथिक जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। लोभी आदमी से सेवा नहीं हो सकता है, मोही से सेवा नहीं होगा, अहंकारी से सेवा नहीं होगा। एक बात गौर करना, अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर सकता है, बिना सेवा से अहंकार गल भी नहीं सकता है, सेवा से अहंकार गल जाता है। आइए बक्षमान विषय पर, मैं कहना चाह रहा था तन साथ नहीं जाएगा, इसके प्रयोग साथ जाएंगे। तन के दो प्रयोग हैं, सेवा और साधना। सेवा से सुजस मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और सेवा से शांति मिलेगी। तो ये सम्मान और शांति आपके साथ जाएंगे, और शरीर साथ नहीं जाएगा, धन साथ नहीं जाएगा। धन से जो उपकार का काम आपने किया है वो आपके साथ जाएगा, विद्या साथ नहीं जाएगी। सब लोगों की विद्या एक दिन विस्मृत हो जाने वाली है, लेकिन छोड़ विद्या भी साथ जाएगी नहीं, लेकिन विद्या का प्रयोग साथ जाएगा। यदि विद्या के द्वारा दूसरे के जीवन में आपने ज्ञान का आलोक पैदा किया है, भगवान बुद्ध के पास विद्या, भगवान महावीर के पास विद्या, सदगुरु कबीर के पास विद्या, महर्षि मेही के पास विद्या, कन्फ्यूशियस के पास विद्या, इस सारे लोगों के पास विद्या है, विद्या से कितना बड़ा काम हुआ। महात्मा बुद्ध ने विद्या से कितना अच्छा काम किया दुनिया में, भगवान महावीर ने कितना काम किया, सदगुरु कबीर ने अपने ज्ञान बल पर कितना अनोखा काम किया धरती पर, आज महर्षि में ही है अपने ज्ञान विद्या के बल से लाखों लाख आदमी को अध्यात्म की तरफ उन्मुख कर दिया। उनका विद्या, उनका ज्ञान, उनकी विद्या समाज के लिए वरदान है कि नहीं। तो वो विद्या का प्रयोग उनके साथ गया, विद्या साथ नहीं जाएगी। धन साथ नहीं जाएगा, धन का प्रयोग साथ जाएगा। भजन बड़ा मार्मिक, संग चले सो धन है संतो, सारे साधन छूट जाएंगे। तन भी साधन है, धन भी साधन है, विद्या भी साधन है, और सही इसका प्रयोग करो अन्यथा छूट जाएंगे सब। ये कभी आपके साथ जाने वाले नहीं है। संग चले सो धन है संतो, संग जाने वाला क्या है, केवल स्वसत्ता, केवल आत्मसत्ता, जो आपका स्वरूप है वही केवल साथ रहने वाला है। और जितने सहयोगी हैं, जितने संबंधी हैं, कोई साथ जाने वाले नहीं है। संग चले सो धन है संतो, जिस आत्म धन की तरफ हम लोगों का भाव घट गया है, आज तो धन कमाने के लिए हम धर्म को खोते जा रहे हैं। एक बात देखो,
जब जब आदमी ने धन को अधिक महत्व दिया है तब तक दुनिया में रक्तपात हुआ है, तब तब अनाचार हुआ है, भ्रष्टाचार आया है। आज धन का महत्व लोगों ने दिया है अधिक, तभी जगह जगह भ्रष्टाचार है, तब जगह जगह लूट है, खसोट है, अपहरण है, न मालूम क्या क्या कुकर्म चल रहा है। धन को लोगों ने सबसे अधिक महत्व दिया है, धर्म का भाव गिर गया है, भाईचारा गिर गया है, राष्ट्रीय भावना धूमिल हो गई है धन भावना के सामने। धन को ही सबसे अधिक महत्व हम लोगों ने दे दिया है। जेन केन प्रकारे न द्रव्यागमनम भवेत, जिस किसी उपाय से हमको धर्म आवे, चाहे राष्ट्रीयता को दफना दें, भाईचारा को छोड़ दें, ईमानदारी को ताखे पर रख दें, लोक परलोक का भय छोड़ दें, उसी साधन के पीछे हम पागल हैं। इन भजन कहता है सारे साधन तुम्हारे एक दिन छूट जाएंगे। पति से पत्नी का संबंध छूट जाएगा, बहुत पति विधुर बनकर बैठा हुआ है, पति के रहते पत्नी मर जाती है, उस पति को हम लोग विधुर कहते हैं। अब पति के रहते पत्नी मर गई तो पति विधुर हो गया, दर्जनों हैं विधुर बने हुए। अब पत्नी के रहते पति मर गया तो पत्नी विधवा हो जाएगी, दर्जनों विधवाएं हैं बैठी हुई, छूट गया संबंध। माता पिता से बेटों का संबंध छूट जाता है, बहुत खलबली मच गई। तो मैंने कहा इस भजन पर सभी लोग ध्यान दें, इस समापन सत्र है, यही हमारे जीवन यात्रा का समापन होना चाहिए। हमारी यात्रा पूरी हो जाए यदि इस बात को हम समझ लें कि संग चले सो धन है संतो, वो केवल आत्मधन है, जो सब कुछ छूट जाने के बाद केवल आत्मधन रहता है, उसको आप भुलाए भूल नहीं सकते हो, छोड़े छोड़ नहीं सकते हो, चूंकि वही आपका अस्तित्व है। आत्मा ही हमारे जीवन का अस्तित्व है, वही हमारा परमाधार है, वही आत्मा परम धन है, उसकी परवाह हम नहीं करते। उस तरफ से हम आंख मीच लिए हैं, इसलिए निष्कर्ष जीवन में निकालें, शरीर के लिए भी काम करें, शरीर की भी सुरक्षा करें, क्योंकि शरीर से काम लेना है, क्योंकि शरीर साधन है। हर भाई बहन शरीर के साथ अन्याय नहीं करें, कि शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम्। नीतिविद ने कहा है प्रकृति प्रदत्त साधनों में शरीर सबसे प्रथम है, शरीर है तब सेवा करोगे, शरीर है तब साधना करोगे, शरीर है तब भोग मार्ग में जाओ, शरीर है तब योग मार्ग में जाओ। शरीर के बिना न सेवा हो सकती है, न शरीर के बिना साधना हो सकती है, न शरीर के बिना योग हो सकता है, न शरीर के बिना भोग हो सकता है। उस शरीर के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उस शरीर के प्रति हम लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। जीवन लगता है कि बलाय हो गया, जिसको कचरा में हम लोग डाले चले जा रहे हैं। जीवन की सुरक्षा करो, शरीर की सुरक्षा करो, इससे बड़े बड़े काम लेने हैं। निरोग रखो, कभी भी शरीर की स्थिति को बिगाड़ने के लिए शराब का ग्रहण नहीं करो, धर्म को बिगाड़ने के लिए मांस मछली मत खाओ, शरीर के रक्त कण को विषाक्त कर देने के लिए बीड़ी खैनी तंबाकू गुटखा गुराखू का कभी सेवन नहीं करो। दांत तो आपके मोती की तरह चमकते रहने चाहिए। देखो एक हमारे रिटायर्ड टीचर मेरे सामने खड़े हैं, बैठे हुए हैं, नाम भूल गया हूं जी, महेंद्र बाबू हैं, कितनी उम्र हो गई है, आई बोलते हैं और हंसते हैं तो मालूम पड़ता है कि अनार के दाने मुंह में बिछे हुए हैं, इतने सफेद सफेद इनके दांत कहाँ हैं। संत गुरुजनों के आधार में चलने वाले हैं, कभी कोई नशा द्रव्यसन लेते नहीं है, इनके दांत देखते बनता है हमको, मोती की तरह दांत चमकते हैं। प्रकृति ने साफ दांत दिया था ना जी,
प्रकृति दांत कैसा दिया था, लाल की पीला है, साफ साफ दिया था ना, और उसमें जर्दा पान खा करके ये अलकतरा लगा दिए हो, तब न प्रकृति नाराज होकर के मुंह पर कैंसर उतार रहा है। प्रकृति ने साफ दांत दिया था, साफ साफ दांत लौटा दो, दांत के साथ दुर्व्यवहार न करो, शरीर के साथ दुर्व्यवहार न करो, संयम से जियो, मन इंद्रियों का संयम करके जियो, आसन प्राणायाम करो, नशा द्रव्यसन ग्रहण मत करो। इस शरीर को भी व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि शरीर से काम लेना है, शरीर को स्वस्थ रखो, सेवा करो और साधना करो। धन को भी शराब में, जुआ में, आर्केस्ट्रा पार्टी के मंच में मत लगाओ, धन का दुरुपयोग है। धन को अपव्ययता से बचा करके धन को रक्षित रखो, सुरक्षित करो, बढ़िया बढ़िया काम करो, धन से समाज कल्याण का काम करो। धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और विद्या का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सा विद्या जा विमुक्तये, विद्यान तो विद्या तो अपने कल्याण के लिए हो और सुंदर सब समाज के निर्माण के लिए हो। तो संग चले सो धन है संतो, और छूट जाए सो माया, सारे साधन माया है। तुलसी ने एक शब्द में कह दिया है कि गौ गोचर जहां लगी मन जाई, मन और इंद्रियों की दौड़ जहां तक है वो सब माया है। जहां तक आंख से देखने में आता है, कान से सुनने में आता है, नाक से सूंघने में आता है, जीभ से चखने में आता है, चमड़ी से छूने में आता है, वो सब माया है, वो सब छूट जाएगा। आप चाहो या ना चाहो छूट जाएगा। आप बपराहट काटते रहते हो कि परिवार छूट गया, धन छूट गया, तो रोने गाने से क्या होगा, छूट जाएगा या आप चाहो चाहे नहीं चाहो। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, और नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, और जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा वहां मन फंसाना महामूढ़ता है। ये छूटने वाली मायावी चीजों में, इस तमाम साधनों में मन को चिपका करके रखना अंत में दुख संताप के अलावे और कुछ नहीं है। जितना इसमें चिपको, जिसमें इतना लगाव बना करके रखो, उतना तनाव बढ़ेगा, जितना तनाव होगा उतनी अशांति बढ़ेगी। तो संग चले सोई धन है संतो, और छूट जाए सो माया। ये तन धन विद्या ये सब माया है, सब साधन है, और साध्य केवल हमारा स्वरूप है, आत्मा है, और वही आत्मा यहाँ आपके साथ है। जहां भी जाओ आत्मा आपके साथ है, धर्म आपके साथ, धर्म आपका असली संगी है। धन साथ नहीं हो सकता है, लेकिन धन के प्रयोग से जब धर्म कमाओगे तो धर्म आपका साथी हो जाएगा। तो संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो इतने छूट जाने वाली चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा लगाव मत करो, दुखी हो जाओगे अंत में। ज्यादा चिपकन उसमें मत करो, अंत पश्चाताप होगा। जिससे लगाव नहीं छूटेगा वो अपनी आत्मा है, आत्मा का अनुसंधान करो, आत्मा को समझने का प्रयास करो। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निदिध्यासितव्य, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही परम विश्राम करने योग्य है। आत्मा में परम विश्राम होता है, धन में विश्राम थोड़ा होगा, परम विश्राम तो आत्मा में है। आनंद थोड़ा प्राणी पदार्थों में मिलेगा, इन आत्मा परमानंद का धाम है, आत्मा में परमानंद है, आत्मा में परम विश्राम है, आत्मा में परम सुख है, आत्मा में परम शांति है। जब आत्मबोध हुआ रामायण के पात्रों में एक पात्र को, उसने कहा था कि सुखी न भयउ अजहु की नाई, धन के पीछे दौड़े सुखी नहीं हुए। धर्म प्राण माननीय मंत्री जी श्री नरेंद्र नारायण यादव, विधि योजना मंत्री बिहार, उद्घाटन करना था इनको,
तो केवल मंत्री नहीं है, स्वभाव से साधु भी है, स्वभाव से ईमानदार भी है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। केवल मंत्री समझकर जीवन ज्योति केंद्र इनको आमंत्रित नहीं करता है, एक अध्यात्म प्रायण व्यक्ति, इनके जीवन में जो सादगी है, सेवा की भावना है, कर्तव्य निष्ठा है, अनुकरणीय है। कार्याधिक के कारण गुरुदेव की जय। अब वचन इनका था कि हम निश्चित रूप से आएंगे, वचन चूक नहीं जाए, आदि में नहीं, मध्य में नहीं तो अंत में, उद्घाटन नहीं करके कम से कम अपनी उपस्थिति में स्त्री दिवसीय अध्यात्म महोत्सव के समापन में भाग ले लिए। अब इनके द्वारा इस अध्यात्म बोध महोत्सव का समापन होगा, तो मैंने थोड़ी चर्चाएं आपके सामने की कि संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो छूट जाता है वो सब साधन है, वो सारी मायावी चीजें हैं।